हेलो गाइस, जैसे कि हम रास्ता से ब्लॉगिंग नहीं कर पाए हैं और आप लोग को दिखाता हूँ हैट्रिक। और देखिए हैट्रिक अंदर ही आ चुका हूँ और ई भी भैया साथ में आए और हम अपना तालाब में डालेंगे। यहाँ पर ले जाते हैं कौन कौन मछली पसंद होता। ये है तेलापिया, देखिए इसका साइज तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बड़ा बड़ा है। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाता हूँ। इधर थोड़ा घूम, कौन सा पसंद कर लो? फिलहाल अभी यही पसंद आ रहा है, समझे कि कहें कि बड़ा साइज है और मछली भी बहुत अच्छा है, खाने भी अच्छा लगता है मछली। ये देखो वो मछली, देखो ना वो मछली वाला, अब वो खाए वाला साइज भेज। किसी मछली को शीशा में रख के पाला जाता है ना। हेलो गाइस, एक देखिए इसके अंदर से जो भी मछली रहता है यहाँ से, और वो आता है यहाँ आ जाता है और माध्यम से इधर से चला जाता है वो तालाब में। और जिसको भी लेना होता है, जो भी कस्टमर आएंगे, फिर वो वहाँ से नेट से जाल से छान के फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ पे दिखाने के लिए सैंपल में। और यहाँ से कैसे जाता है, लेकिन देख सकते हो यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर गिरेगा, यहाँ पाइप के द्वारा यहाँ ऐसे गिरता है, देख सकते हो दोस्तों, है ना। तो ऐसे इसको एकदम फुल इसको नेचुरल सुख मिलता है यहाँ पे, यहाँ आके देखिए ये जो धागा लगा हुआ है, इससे क्या होता है कोई भी पक्षी इसमें लोल नहीं मारेगा, मछली को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। गाइस देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम मछली का बच्चा लेने के लिए आ गए, तो ये यहाँ पे भैया लोग घुसेंगे पानी के अंदर और जो मछली का वो है वो छान के निकालेंगे। तब तक ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और देखते हैं कितना देर लगेगा। फिर यहाँ से निकलेंगे घर और फिर अपना तालाब में डालेंगे, ठीक है ना। तब तक ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। इधर क्योंकि हमको चाहिए लोकल मछली, ठीक चाचा, लोकल मछली चाहिए हमको। लोकल मछली में कौन कौन मछली? यही सब ना। चलिए ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए। उस समय तो देख सकते हो अभी नेट आने में थोड़ा समय है, इधर भैया इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मछली आएगा, सब्जी लेके चलेंगे, तड़का लगाएंगे। मजा ले रहे वीडियो बना बना, लेकिन मौसम काफी अच्छा है उसका ना। तो देख सकते हो अब पूरा जाल नजदीक आ चुका है। एक शॉर्ट भी बनाया लगे, शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों देखे यहाँ से अभी वहाँ से लाके और यहाँ पे डाल दिए, अब यहाँ पे इसको कुछ आराम करने के लिए दे दिए और फिर यहाँ से पन्नी में ऑक्सीजन वाला पन्नी में पैक होगा, फिर लेकर चलेंगे घर। क्या तो हेलो गाइस, देख सकते हो इसी में सारा मछली पैकिंग होगा, अभी वहाँ से अभी सारा मछली इसी में होगा और यहाँ से देख सकते हो ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक भी मछली नहीं मरेगा, सारा मछली सुरक्षित जाएगा घर। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, देख सकते हो ये 13 पोलोथिन बंधा चुका है और चलिए वहाँ से मछली यहाँ आएगा वजन के हिसाब से, और कैसे वजन मिलेगा आप लोग को वो भी देखिए, ब्लॉग में कंटिन्यू बना रहिए। और इधर देखिए वजन हो रहा है, चलिए बहुत अच्छा ब्लॉग आज होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग कहीं मत जाइए, फुल वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, क्योंकि देख रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है। जा 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 ज
ये भी करे अच्छा है छाई 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 तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सारा पैकिंग हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा तो हेलो गाइस दिखान हाफना मार्केट पहुंच गया हूँ। देख सकते हो इतना बारिश हुआ सिर्फ रोडों पे पानी पानी और देख सकते हो चलिए यहाँ से 5 किलोमीटर बने रहिए अपना बने रहिए।